हाय देयर, मैं हितेश एंड वेलकम टू माय स्क्वाड ऑफ टेक डेनोस। आज हमारी मुलाकात होगी आर्डुइनो आईडीई से और हम अपने आर्डुइनो को पहली बार प्रोग्राम करेंगे। पर उससे पहले पेट पूजा। सबसे पहले आर्डुइनो आईडी, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। उस वीडियो में मैंने आर्डुइनो को एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को भी देख लेना एक बार। जस्ट अ रिकैप, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस ऐप से हम आर्डुइनो को प्रोग्राम करेंगे और उसे बताएंगे कि आखिर करना क्या है। आईडी को डाउनलोड करने के लिए हम आर्डुइनो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, arduino.cc। वहाँ पे हमें पर्टिकुलर ओएस के लिए फाइल्स मिल जाएंगी, जैसे विंडोज़ के लिए है, मैक ओएस के लिए है एंड इवन लिनक्स के लिए है, तो उस हिसाब से हम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप हो जाने के बाद हमें हमारी आईडी यहाँ इंस्टॉल हो जाएगी। सो ये है आईडी। यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइल खोले तो यहाँ पे न्यू है, टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट, फिर ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, फिर ओपन रीसेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी, स्केचबुक में सारी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी, फिर एग्जाम्पल्स एक्चुअली काफ़ी अच्छा फीचर है फॉर बिगिनर्स, क्योंकि एक्चुअली जो अच्छे मॉड्यूल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिगिनर्स के लिए, उनको कोड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस के लिए, बिगिनर्स के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे एथरनेट के लिए, GSM मॉड्यूल के लिए, LCD स्क्रीन के लिए है, रोबोट कंट्रोल है, सर्वो मोटर के लिए, इवन स्टेपर मोटर के लिए, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छा फीचर। नेक्स्ट क्लोज है, फिर सेव एज, पेज सेटअप है, फिर प्रिंट है, प्रेफरेंसेस फॉर एग्जांपल अगर हमें टेक्स्ट चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है या फिर लैंग्वेज चेंज करना है, तो हम प्रेफरेंसेस अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। क्विट है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में अनडू है, रीडू, कट कॉपी, कॉपी फॉर फॉरम, अगर फॉरम में हमें अपना कोड जो है सबमिट करना है तो हम यहां से कॉपी कर सकते हैं। फिर कॉपी HTML जो वेबसाइट रिलेटेड पेजेस होते हैं वहां पे सबमिट करने के लिए HTML के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। फिर पेस्ट है, सिलेक्ट ऑल है, गो टू लाइन, कमेंट एंड अनकमेंट, फिर इंक्रीज इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट है, इंक्रीज फॉन्ट साइज है, डिक्रीज फॉन्ट साइज है, फिर फाइंड प्रीवियस है। सो एक्चुअली देखा जाए तो ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है आर्डुइनो आईडी, काफ़ी अच्छा भी है ये, मतलब यूज़र फ्रेंडली है, तो यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो है स्केच, वेरीफाई एंड कंपाइल, कोड पहले वेरीफाई होता है कि उसमें कोई एरर्स है कि नहीं, फिर वो कंपाइल होता है और फिर नेक्स्ट है अपलोड। कंपाइल होने के बाद बोर्ड पे हम अपनी प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। फिर अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर है, एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी मतलब जो जीरोज एंड वन की सीरियल होती है वो, फिर शो स्केच फोल्डर है, इंक्लूड लाइब्रेरी, इनफैक्ट इंक्लूड लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे, एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है जनरली फॉर बिगिनर्स, उनके लिए मॉड्यूल्स को कोड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे आर्डुइनो हमें कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं जो उस कोड को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देती हैं, तो बिगिनर्स काफ़ी इजीली उसको कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो GSM, कीबोर्ड, लिक्विड क्रिस्टल, माउस है, रोबोट कंट्रोल, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, वाईफाई, इनके लिए यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं चाहिए और कोडिंग काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। ऐड फाइल है उसके बाद, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में है टूल्स है, ऑटो फॉर्मेट जो इंडेंट को अपने हिसाब से ठीक कर देता है, फिर आर्काइव स्केच है, फिक्स एंड कोडिंग एंड रीलोड है, मैनेज लाइब्रेरीज, इससे फॉर एग्जांपल हमें एक लाइब्रेरी चाहिए और वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हम मैनेज लाइब्रेरी के थ्रू इंटरनेट से वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फिर है सीरियल मॉनिटर से एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, लैपटॉप को आर्डुइनो से कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हैं दोनों के बीच में, तो मतलब इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ कर रहे हैं एक टेम्परेचर मॉड्यूल अपने आर्डुइनो से, तो अगर हम सीरियल मॉनिटर यूज़ करें तो हमें लैपटॉप के स्क्रीन पर हमें वो करंट टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाएगा जो वो आर्डुइनो रीड कर रहे हैं।
फिर है सीरियल प्लॉटर, फिर है वाईफाई 101 फर्मवेयर अपडेटर, ये दूसरे आर्डुइनो बोर्ड्स के लिए, हाईफाई बोर्ड्स के लिए है। फिर है बोर्ड, बोर्ड में एक्चुअली हमें यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है जो पर्टिकुलर बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ऊनो यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ऊनो सिलेक्ट करके रखा हूँ। नैनो यूज़ करता तो नैनो, फिर मेगा होता तो मेगा, फिर वैसे। फिर है पोर्ट, पोर्ट एक्चुअली अगर हम, मैं तो अभी फ़िलहाल कनेक्ट करके नहीं रखा हूँ अपने बोर्ड को कंप्यूटर से, इसलिए ये डिसेबल्ड है। तो अगर हम कनेक्ट करें आर्डुइनो को कंप्यूटर से, तो ये पोर्ट हमें सिलेक्ट करना होगा ताकि एक कम्युनिकेशन बन पाए लैपटॉप और आर्डुइनो बोर्ड के बीच में। फिर गेट बोर्ड इन्फो है, प्रोग्रामर है, बर्न बूट लोडर, बूट लोडर जो आर्डुइनो बोर्ड पे होता है। फिर हेल्प है, हेल्प में नॉर्मल जो होते हैं चीज़ें वो हैं इधर। फिर नीचे कुछ बटन्स मिलती है हम लोग जो मोस्टली कॉमनली यूज़ करते हैं, जो फीचर्स जो यहाँ मेन्यूज़ में थी वो यहाँ पे हैं। जैसे वेरीफाई, अपलोड है, न्यू है, ओपन है, सेव है, एंड एक्सट्रीम राइट में वो सीरियल मॉनिटर, वेरी यूजफुल। नेक्स्ट बीच में सेंटर में आता है हमारा एक्चुअल वर्क स्पेस, यहाँ पे हमारा कोड आएगा। इन मोस्ट केसेस मतलब ऑलमोस्ट ऑल द कोड्स, मतलब जो आर्डुइनो में हम डालते हैं वो दो ब्लॉक्स में बटी हुई होती है, वॉइड सेटअप जो ये वाली है एंड वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में जो भी कोड जाएगा वो सिर्फ एक बार चलेगा, स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार वो चलेगा, रन होगा। लेकिन वॉइड लूप में जो भी हम डालेंगे वो तब तक चलेगा जब तक आर्डुइनो को हम ना बोले रुकने या फिर उसकी पावर हटा दी जाए। वॉइड सेटअप में फॉर एग्जांपल हम डालते हैं जैसे पिन को इनिशियलाइज करना, पिन को कॉन्फ़िगर करना है, और वो तो सिर्फ एक बार रन होता है कॉन्फ़िगरेशन पिन की, तो उसे हम वॉइड सेटअप में डालते हैं। फिर वॉइड लूप में जैसे हमें एक LED ग्लो करानी है, तो उसे कंटिन्यूस वोल्टेज सप्लाई चाहिए ग्लो करने के लिए, तो उसे वॉइड लूप में डालना पड़ता है ताकि वो कंटिन्यूसली ग्लो करे। वो एक बार डालने वोल्टेज सप्लाई से तो वो ग्लो करेगी नहीं। फिर नीचे आता है आउटपुट डिस्प्ले, यहाँ पे जब हम इसे वेरीफाई एंड कंपाइल करेंगे तो अगर कोई एरर आती है हमारी कोड में तो यहाँ पे ये ऑरेंज टेक्स्ट में डिस्प्ले हो जाएगा, फिर हम उसे बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं। नाउ जब हमें ये समझ आ गया है कि ID काम कैसे करता है और ये है क्या, तो हम अपने आर्डुइनो पर अपना पहला कोड डालेंगे। आर्डुइनो बोर्ड में हमें एक इनबिल्ट LED मिलता है जो ये है, एंड ये पिन 13 से कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि अगर हम पिन 13 को हाई वोल्टेज दें, दैट मीन्स 5 वोल्टेज दें, तो ये ग्लो करेगी, एंड अगर लो वोल्टेज दें या मतलब 0 वोल्टेज दें तो ये ग्लो नहीं करेगी। यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये पिन 13 से डिजिटल पिन, एक डिजिटल पिन से कनेक्टेड है। दैट मीन्स इससे हम सिर्फ हाई या लो सप्लाई दे सकते हैं, दैट मीन्स 5 वोल्ट से 0 वोल्ट सप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एनालॉग पिन से कनेक्टेड नहीं है। और एक बात है कि यहाँ पे तीन और LEDs मिलती हैं, ये है पावर LED जो तब जलेगी जब ये बोर्ड पावर्ड हो। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी केबल से आर्डुइनो बोर्ड को कनेक्ट किया है एंड हेंस ये पावर्ड है, सो ये LED ग्लो कर रही है। एंड TX एंड RF जब हम इनपुट बोर्ड को इनपुट या आउटपुट मिल रही हो तो ये TX एंड RX ग्लो करेंगे, एंड ये वाली LED तो पिन 13 से, डिजिटल पिन 13 से कनेक्टेड है। सो हमें क्या कराना है, इस LED को ब्लिंक कराना है, ऑन ऑफ कराना है। हर सेकंड ये ऑन होगा एंड अगले ही सेकंड ये ऑफ होगा, एंड ऐसा कंटिन्यूसली चलेगा। सो उस कोड को लिखने के लिए हम पहले वॉइड सेटअप में लिखेंगे पिन मोड ब्रैकेट में 13, जो पिन का नंबर होगा, एंड आउटपुट, क्योंकि हमें इससे वोल्टेज आउटपुट देना है, एंड देन अ सेमीकोल। पिन मोड मतलब हम एक्चुअली इस पिन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इससे बता रहे कि ये पिन हम यूज़ करेंगे। सो वॉइड सेटअप के लिए इतना ही है, एंड वॉइड एक चीज़ बता दूँ कि वॉइड सेटअप में ये जो कोड है, जो पिन मोड है, ये पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार चलेगा, एंड वॉइड लूप में जो भी होगा वो कंटिन्यूसली चलेगा। सो वॉइड लूप में हमें क्या करना है, पहले सेकंड में हमें क्या करना है, LED को ऑन रखना है, फिर अगले सेकंड ऑफ करना है ना, तो एंड ये साइकिल चलते रहेगा तो एक ब्लिंकिंग इफेक्ट आएगा। सो वॉइड लूप में हम डालेंगे पहले डिजिटल
डिजिटल राइट ब्रैकेट के अंदर पिन का नंबर एंड वैल्यू जो होगा हाई मतलब ऑन एंड फिर सेमीकोलन डिजिटल राइट मतलब आउटपुट सप्लाई देना डिजिटल राइट एंड फिर हमें इसे एक सेकंड के लिए ऑन रखना है सो डीले डीले डालना होगा हमें 1000 सेमीकोलन डीले मतलब वो उतने देर के लिए रुकेगा ये डिजिटल राइट मतलब उसे 5 वोल्ट्स एक सेकंड के लिए मिलेंगे एंड 1000 मतलब 1000 मिलीसेकंड्स एंड एक सेकंड होता है 1000 मिलीसेकंड्स फिर हमें इसे ऑफ करना है तो डिजिटल राइट पिन का नंबर जो है 13 लो लो मतलब जीरो वोल्टेज नो वोल्टेज तो वो ग्लो नहीं करेगा एंड इसे भी हम एक सेकंड के लिए ऑफ रखेंगे मतलब 1000 मिलीसेकंड्स सो बस इतना ही था ये कोड बहुत सिंपल है एक्चुअली अगर आप देखें तो काफ़ी सिंपल है बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी सिंपल है लेकिन कुछ लोग फिर भी बोलते हैं कि यार ये क्या कितना टफ है ऐसा नहीं है ये एक बार समझ जाएंगे तो काफ़ी ईजी है सो अभी हम क्या करेंगे कोड को एक बार वेरीफाई करेंगे सो मैंने वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दिया स्केच अभी कंपाइल हो रहा है अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो हमें यहाँ नीचे आउटपुट स्क्रीन में मिल जाएगा सो अभी भी ये कंपाइल हो रहा है इट्स टेकिंग टू लॉन्ग हमारा स्केच कंपाइल हो रहा है बट इट्स टेकिंग अ बिट लॉन्गर क्योंकि मेरा पीसी इतना अच्छा नहीं है एंड यस इट इज कंपाइल्ड इसमें कोई एरर नहीं आया आप देख सकते हैं यहाँ वाइट में यहाँ मैसेज है स्केच यूजेस 924 बाइट्स ये एक्चुअली हमारे काम की नहीं है तो अगर यहाँ पे कोई ऑरेंज से हाईलाइटेड कोई टेक्स्ट आती है इसका मतलब यहाँ पे एरर है एंड वो बताता कि एरर क्या है इनफैक्ट अभी तो एरर नहीं है तो मैंने अपने बोर्ड को तो कनेक्ट करके रखा है पीसी से तो दो चीज़ें पहले हमें चेक करनी होंगे वो है हम स्केच में जाएंगे हम सॉरी टूल्स में जाएंगे और वहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करेंगे उनो एक्चुअली इधर पहले से मेरा सिलेक्टेड है एंड पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट COM3 यहाँ भी मेरा सिलेक्टेड है पहले से तो आर्डुइनो उनो यहाँ दिखा रहा है COM3 ये रहेगा ये दोनों चेक होने के बाद हम फाइनली से अपलोड कर सकते हैं ये अपलोड हो रहा है ऑलमोस्ट डन अपलोड हो रहा है एंड डन अपलोडिंग अब आप देखिए बोर्ड में जो हमारी इनबिल्ट एलईडी है वो एक सेकंड के लिए ऑन हो रही है फिर ऑफ हो जा रही है ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन सो ये तब तक चलेगा जब तक हमारी केबल इससे कनेक्टेड है अगर हम इसे निकाल दें तो ये ऑफ हो जाएगी लेकिन अगर वापस ला दें तो ये वापस ब्लिंक हो रही है इसका मतलब कि इनफैक्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर में सेव हो गया है हम अगर पावर निकालते भी हैं तो वापस जब लगाएंगे तो ये वापस वही प्रोग्राम चलाएगा वो डिलीट नहीं होगा सो काफ़ी अच्छा फीचर है एंड फिर एक चीज़ बता दूं कि जो ये डिलेस की वैल्यू है हम इसे चेंज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक सेकंड में इसे ऑन भी कराना है एक सेकंड में आधे टाइम के लिए ऑन कराना है फिर दूसरे आधे टाइम के लिए इसे ऑफ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 500 मिलीसेकंड्स मतलब आधा सेकंड एंड 500 लो में तो इसे भी अगर हम ये कंपाइल हो रहा है इसे भी अगर अपलोड करें तो बोर्ड में जो हमारा एलईडी है वो एक सेकंड में ऑन भी होगा ऑफ भी होगा ऑन होगा ऑफ होगा ऑन होगा ऑफ होगा
यहाँ देख सकते हैं इसका जो ब्लिंकिंग रेट है वो बढ़ चुका है, एक सेकंड में वो ऑन ऑफ हो रहा है। काफ़ी अच्छा है ये कोड, काफ़ी सिंपल है बिगिनर्स के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हेलो वर्ल्ड मान सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे C++ जावा सीखते हैं, तो वहाँ पे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आर्डुइनो की वर्ल्ड में हम ये ब्लिंकिंग LED सीखते हैं फर्स्ट टाइम। आई होप आपको ये मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू स्क्वाड टेक डेनो, क्योंकि मैं ऐसी रोबोटिक्स, एथिकल हैकिंग और टेक्निकल ट्यूटोरियल्स बनाते रहूँगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।